हेलो फ्रेंड्स, बीकॉम ई लर्निंग में आप सबका स्वागत है। तो ट्रिपल सी के कोर्स में जैसा कि हम लोग शुरू किए थे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इसके पहले के वीडियो में हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बेसिक टूल्स को समझा था। आज से हम इसके मेनू बार को पढ़ेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या वीडियो में कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का पहला वीडियो होम टैब से। तो अगले वीडियो में आपको बता दिया गया था कि सबसे ऊपर होता है टाइटल बार, तो दूसरे नंबर पे हमारा आता है मेनू बार, इसे बोलते हैं। और ये होता है सबसे खास चीज, इसे हम बोलते हैं रिबन। इस पूरे भाग को रिबन कहा जाता है। आप जिस पे भी क्लिक करेंगे उससे संबंधित रिबन आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो आज हम होम टैब के बारे में पढ़ेंगे। कोई भी टेक्स्ट लिखने के बाद उसकी फॉर्मेटिंग और एडिटिंग हम यहां से कर सकते हैं। कोई भी हमने टेक्स्ट लिखा, अगर इस टेक्स्ट की स्टाइल या साइज में किसी भी चीज को हमको फॉर्मेटिंग करना हो तो हम टेक्स्ट को लिखेंगे, उसे सेलेक्ट करेंगे। यहां पे दिया गया है फॉन्ट, फॉन्ट वाले टैब में हम आएंगे। सबसे ऊपर हमारा दिया गया फॉन्ट, यहां तरह तरह के अलग अलग प्रकार के फॉन्ट दिए गए हैं। हम सभी फॉन्ट को चेक कर लेंगे। हमें जो फॉन्ट टेक्स्ट का रखना होगा उस फॉन्ट पे जाके उसे अप्लाई कर देंगे और हमारे सारे टेक्स्ट उसी फॉन्ट में हो जाएंगे। साइज को बढ़ाने के लिए हम फिर से फॉन्ट को सेलेक्ट करेंगे। यहां पर साइज का चार्ट दिया गया है, जहां पर जाकर हम अपनी आवश्यकता अनुसार साइज को बढ़ा सकते हैं। एक बात का ध्यान रहे दोस्तों कि हमको कोई भी एडिटिंग करने के लिए अपने पैराग्राफ को सेलेक्ट किए रहना होगा। हमको जो साइज चाहिए उस साइज चार्ट पे जाके अप्लाई कर देंगे, वो हमारा उसी चार्ट में अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे साइज के बटन भी बने हुए हैं। हमको अगर मिनिमाइज करना है यानी साइज को छोटा करना है तो हम इस पे क्लिक करके साइज छोटा कर सकते हैं। बड़ा करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करके साइज को बड़ा भी कर सकते हैं। टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। अगर हमको कोई भी टेक्स्ट बोल्ड करना है उतने टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, यहां बी पे क्लिक कर देंगे तो हमारा टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। यानी बोल्ड का मतलब होता है टेक्स्ट मोटा हो जाता है, साइज वही रहती है, बस हमारा टेक्स्ट थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, मोटा हो जाता है। इसकी शॉर्टकट की भी है Ctrl+B। हम Ctrl+B के द्वारा भी इसे बोल्ड कर सकते हैं। दूसरा है हमारा इटैलिक। इटैलिक का मतलब होता है टेक्स्ट को तिरछा करना। हमको अगर इस टेक्स्ट को थोड़ा सा तिरछा करना है तो हम इटैलिक पे क्लिक कर देंगे तो हमारा टेक्स्ट थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा। इसकी शॉर्टकट की Ctrl+I है। अगर हम फिर अगले वीडियो पे आते हैं, यू यानी अंडरलाइन। कोई इंपॉर्टेंट चीज, हमारे टेक्स्ट में कोई भी इंपॉर्टेंट चीज आती है उसके लिए हम उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करके यू यानी अंडरलाइन पे क्लिक कर देते हैं तो उस टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन बन जाता है। इसकी शॉर्टकट की Ctrl+U है। टेक्स्ट पे और इफेक्ट देने के लिए यहां पे इफेक्ट दिए गए हैं। हम सेलेक्ट करके कोई भी इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इस इफेक्ट से हमारे सभी टेक्स्ट पे एक सिंगल लाइन आ रही है। इनको हटाने के लिए हम फिर से टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और उसी इफेक्ट पे क्लिक कर देंगे तो हमारा फिर से वापस टेक्स्ट उसी फॉर्म में हो जाएगा। ये है हमारा केस। यानी केस का मतलब होता है हमारे लिखे गए टेक्स्ट को हम 5 केस में बदल सकते हैं, जिनको हम यहां से देखते हैं। सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइजेशन केस और टॉगल केस। हमारा एक एक केस यहां से हम अप्लाई करके देखते हैं। सेंटेंस केस, सेंटेंस केस का मतलब होता है कि पहले वर्ड हमारे लिखे गए सेंटेंस का पहला वर्ड कैपिटल, बाकी सारे वर्ड स्मॉल में रहते हैं, और अपर में सारे वर्ड हमारे कैपिटल लेटर में हो जाते हैं, जिसे हम अपर केस कहते हैं। तो देखिए, हमारे लिखे गए सारे लेटर कैपिटल लेटर में हो गए। स्मॉल लेटर में करने के लिए हम इसको सेलेक्ट करते हैं और यहां पर जाके लोअर केस कर देंगे तो हमारा सब स्मॉल लेटर में हो जाएगा। तो हमें अपने टेक्स्ट को जिस फॉर्मेट में करना है हम उस फॉर्मेट में जाके उसे अप्लाई कर सकते हैं। अब आता है
सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट, इन दोनों का भी बड़ा योगदान होता है हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। अगर हमें कोई सूत्र दे दिया गया है लिखने के लिए तो इसके द्वारा हम लिख सकते हैं, जैसे H2O, तो आपको पता है कि H2O ऐसे नहीं लिखा जाता, इसमें 2 छोटा रहता है, तो 2 को छोटा करने के लिए आप 2 को सेलेक्ट करेंगे और यहां सब स्क्रिप्ट ऑप्शन में आके क्लिक करेंगे तो हमारा वो उसी फॉर्मेट में हो जाएगा। इसे हम सब स्क्रिप्ट फॉर्मेट बोलते हैं। सुपर स्क्रिप्ट करने के लिए या सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है जानने के लिए देखेंगे, जैसे हमको a प्लस बी का होल स्क्वायर करना है तो आपको पता है ये छोटा रहता है और ऊपर रहता है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट के द्वारा हम इसे छोटा कर सकते हैं। तो अगर हमें टेक्स्ट को नीचे लाना है तो हम सब स्क्रिप्ट, और अगर टेक्स्ट को ऊपर लेके जाना है तो सुपर स्क्रिप्ट का प्रयोग करेंगे। ये हमारा फॉन्ट है। अब हम आएंगे यहां पे टेक्स्ट के बैकग्राउंड को अगर कलर करना रहेगा तो हम इसका प्रयोग करेंगे। ये हमारा टेक्स्ट है, अगर हमको टेक्स्ट के बैकग्राउंड को कलर करना है सिर्फ, तो हम यहां पे आएंगे, अपनी पसंद का कोई भी कलर हम देखिए इस पे अप्लाई कर सकते हैं। जो भी कलर अप्लाई करेंगे उससे सिर्फ टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर होगा और टेक्स्ट कलर नहीं होगा। देखिए सिर्फ टेक्स्ट के बैकग्राउंड को आपने कलर किया। अगर हमें टेक्स्ट को कलर करना है तो हमें टेक्स्ट कलर को सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करके हम इस ऑप्शन पे आके यहां से कोई भी कलर लेके अपने टेक्स्ट को भी कलर में कर सकते हैं। फिर आता है हमारा ये क्लियर फॉर्मेटिंग। जो भी फॉर्मेटिंग की गई है उसे क्लियर करने के लिए आप इसका यूज करते हैं। आप सेलेक्ट करते हैं और क्लियर फॉर्मेटिंग का यूज करते हैं। तो देखिए जो भी हमने धीरे धीरे करके हमने जो भी एडिटिंग इस पे की थी वो यहां से आप क्लियर कर सकते हैं। फिर आते हैं पैराग्राफ पे। ये होता है हमारे लिखे गए पैराग्राफ को चेंज करने के लिए, इसे हम बोलते हैं अलाइन। लेफ्ट राइट सेंटर और जस्टिफाई, लेफ्ट राइट सेंटर और जस्टिफाई, ये 4 अलाइनमेंट होते हैं हमारे। अगर किसी भी टेक्स्ट को हमको हम कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं तो जनरली लेफ्ट से राइट की तरफ लिखते हैं। अगर इसी टेक्स्ट को हमें बीच में लेके जाना है तो हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और यहां सेंटर अलाइनमेंट कर देते हैं तो वो टेक्स्ट सीधे सेंटर में आ जाता है। किसी भी टॉपिक की हेडिंग देनी हो या रिज्यूम बनाना हो, बायोडाटा बनाना हो, तो इसके द्वारा हम उसे पहले सेंटर में कर लेते हैं। सेंटर अलाइनमेंट की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ई होती है, और ये है लेफ्ट अलाइनमेंट, इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एल होती है। इसके द्वारा हम टेक्स्ट को लेफ्ट में ला सकते हैं। राइट अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल प्लस आर प्रेस करेंगे या राइट अलाइनमेंट पे क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट हमारा अब राइट से लेफ्ट की तरफ लिखेगा। और जस्टिफाई अलाइनमेंट होता है जो पूरे पेज पे रहता है, ये होता है जस्टिफाई अलाइनमेंट। बाय डिफॉल्ट हम लेफ्ट अलाइनमेंट का ही प्रयोग करते हैं। फिर आते हैं अगले ऑप्शन पे। ये हमारे ऑप्शन है जिसको हम बोलते हैं बुलेट्स। बुलेट्स का मतलब होता है कोई भी चीज अगर हम टाइप कर रहे हैं उसको हमको नंबर में लिखना है, नंबरिंग करनी है, तो हम टेक्स्ट को लिखने के बाद टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद इस ऑप्शन पे जाके बहुत से देखिए बुलेट्स दिए गए हैं, इसमें से कोई भी एक बुलेट हम सेलेक्ट करके अपने टेक्स्ट के आगे शो करा सकते हैं। तो बुलेट्स को हमने सेलेक्ट किया। अगर हमको इनको नंबर में कन्वर्ट करना है यानी नंबर में बदलना है तो हम बुलेट्स ऑप्शन पे न जाके नंबर ऑप्शन पे जाके इसे हम नंबरिंग भी दे सकते हैं। ये होते हैं हमारे बुलेट्स और ये होती है हमारी नंबरिंग। तो हम कोई भी नंबर ABCD या रोमन का कोई भी नंबर हम अपने टेक्स्ट के आगे दे सकते हैं। ये है हमारा लाइन स्पेसिंग। ये एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच में स्पेस देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है।
यहाँ लाइन स्पेसिंग देखिए 1.15 है, हम इसे कम या ज्यादा भी कर सकते हैं, जितना करेंगे एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच में स्पेस उतना बढ़ता जाएगा, अगर कम करेंगे तो स्पेस कम होता जाएगा। तो लाइन स्पेसिंग के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। फिर हम आते हैं इंक्रीज और डिक्रीज के लिए, टेक्स्ट को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए। इंक्रीज इंडेंट करना है तो हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट को इंक्रीज यानी आगे लेके जाते हैं और डिक्रीज ऑप्शन से हम उसे स्टेप बाय स्टेप पीछे लेके आते हैं। ये होता है लिखे गए टेक्स्ट को सॉर्ट करना, यानी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में टेक्स्ट को लिखना। कोई भी टेक्स्ट अगर हमने लिखा है तो हम इसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं। टेक्स्ट को हम सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके टेक्स्ट की साइज बड़ा कर देते हैं ताकि आपको दिखाई दे। अब टेक्स्ट को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करना, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमने टेक्स्ट लिखा है। अगर हमको टेक्स्ट को डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो इस ऑप्शन पे जाएंगे, इसे सॉर्ट बोलते हैं। इस ऑप्शन पे जाके टेक्स्ट को यहां से डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देंगे तो टेक्स्ट हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। फिर से टेक्स्ट को असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो हम यहां से टेक्स्ट को असेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं। हम टेक्स्ट या नंबर या हमारे अल्फाबेट किसी को भी असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं। ये होता है एक इफेक्ट, इस पे क्लिक करते ही सारे लाइन के अंत में एक इफेक्ट आ जाता है। इस इफेक्ट को हटाने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करके हटा देते हैं और जब लाना होगा तो यहां से शो करा सकते हैं। ये आता है हमारा, ये दिया है हमारा बॉर्डर बनाने के लिए। कोई भी मैटर लिखने के बाद उस पर बॉर्डर बनाना है तो हम इसके प्रयोग से बॉर्डर को बना सकते हैं। मैटर लिखेंगे, सेलेक्ट करेंगे, इस ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे दिया गया है बॉर्डर, अगर हम क्लिक कर देंगे होल बॉर्डर, देखिए दिया है आउटसाइड बॉर्डर, हमने आउटसाइड बॉर्डर किया तो हमारे टेक्स्ट के आउटसाइड में बॉर्डर बन के तैयार हो गया। यहाँ पे बहुत से बॉर्डर के टाइप दिए गए हैं, आपको जो बॉर्डर सेलेक्ट करना हो या जो बॉर्डर बनाना हो आप यहां से उसको सेलेक्ट करके देखिए डिजाइन कर सकते हैं। ये हमारा दिया गया स्टाइल, हमारे टेक्स्ट की स्टाइल को बदलने के लिए हम यहां पे किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। देखिए यहां से हम उसकी स्टाइल को बदल सकते हैं, बहुत से प्रकार के यहाँ पे हमारे स्टाइल दिए गए हैं। यहाँ पे क्लिक करके हम सारी स्टाइल को देख लेंगे। हमको हेडिंग बनाना है या टाइटल लिखना है, देखिए ये टाइटल की है, ये सब टाइटल के लिए है, ये हेडिंग के लिए दिया गया है। हमको जो भी बनाना हो हम उस पर क्लिक करेंगे और देखिए वो हमारा उस पर अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे बहुत से स्टाइल दिए गए हैं, देखिए हम इन स्टाइल में से भी सेलेक्ट करके अपने टेक्स्ट को अच्छा बना सकते हैं और अच्छे से एडिटिंग कर सकते हैं। देखिए जिस ऑप्शन पे जाएंगे सबके अलग अलग तरीके से हमारे टेक्स्ट स्टाइल में हो जाएंगे। फिर आते हैं हमारे एडिटिंग वाले ऑप्शन में, जिसमें फाइंड और गो टू दिया गया है। फाइंड क्या होता है, अगर हमने कोई भी टेक्स्ट लिखा है उसे खोजने के लिए हम इसका यूज करते हैं। अब ये कोई भी टेक्स्ट इसमें लिख दिया गया है, किसी भी इस टेक्स्ट को इसमें फाइंड करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। इस टेक्स्ट में हम ऑप्शन पे जाएंगे और फाइंड फाइंड पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये फाइंड का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अब इसमें कोई वर्ड गलत है या कोई वर्ड हमें चेंज करना है उसके लिए इसका प्रयोग करते हैं। फाइंड ऑप्शन में जाएंगे, हम वो वर्ड यहाँ पे टाइप कर देंगे। जैसे हमको द खोजना है तो हमने द की स्पेलिंग यहाँ पे लिख दी। अब हम देखना चाहते हैं कि इस टेक्स्ट में इस मैटर में द कहाँ कहाँ पे लिखा गया है। हमने फाइंड किया तो देखिए फाइंड नेक्स्ट करते जाएंगे, जहां जहां पे लिखा गया है द वहां वहां पे वो वर्ड वो हाईलाइट हमको करता चलेगा। अगर हमें द की जगह बदल के कुछ रिप्लेस करना है तो हम रिप्लेस ऑप्शन का यूज करेंगे। रिप्लेस पे जाएंगे, फाइंड वर्ड हमने ये खोजा हमको ये चेंज करना है, रिप्लेस विथ यानी द की जगह हमें क्या लिखना है। अगर हमें दिस लिखना है तो हमने दिस लिख दिया, ये है रिप्लेस। अगर हम रिप्लेस करते हैं तो सिर्फ एक जगह चेंज होता है जहां पे हाईलाइट है। अगर हम रिप्लेस ऑल करते हैं तो पूरे मैटर में जहां जहां पे द लिखा गया है वहां पे चेंज होके दिस हो जाएगा। तो हम रिप्लेस कर देते हैं तो अब देखिए दे रहा है कि हमारा फिनिश्ड हो गया, जहां जहां पे द था वहां वहां पे देखिए सब जगह दिस हो गया। गो टू
गो टू ऑप्शन का यूज होता है पेज लाइन वाइज ऊपर नीचे जाने के लिए और बुक मार्क में सेव की गई चीजों को देखने के लिए। जैसे हम लाइन वाइज ऊपर नीचे हो सकते हैं, अगर हम यहाँ पे हैं हमको पहली लाइन पे जाना है तो हम इस डायलॉग बॉक्स में लाइन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, वो पहली लाइन पे जाना है, हमने वन यहाँ पे किया और गो, तो हमने देखा कि हम पहली लाइन पे पहुंच गए। अगर हमको यहाँ दसवीं लाइन पे आनी है तो हमने यहाँ दस नंबर डाल दिया और गो कर दिया, तो देखिए हमारा कर्सर दसवीं लाइन पे आ गया। तो ये फाइंड रिप्लेस गो टू ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, बहुत ज्यादा यूजफुल है टेक्स्ट को खोजना, उसको बदलना और लाइन और पेज वाइज ऊपर नीचे जाना, फाइंड रिप्लेस और गो टू। अगला ऑप्शन है हमारा सेलेक्ट, इसका यूज करते हैं पूरे पेज को सेलेक्ट करने के लिए। हम यहां से पूरे पेज को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। अब क्लिपबोर्ड वाले ऑप्शन पे आते हैं, कट कॉपी और पेस्ट। ये हमारा कोई भी टेक्स्ट है, अभी तक देखिए कोई भी ऑप्शन हाईलाइट नहीं है क्योंकि हमने किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट नहीं किया है। जैसे ही हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं वैसे ही यहां पे ऑप्शन हाईलाइट हो जाएंगे। कॉपी और कट दोनों क्या होते हैं? कट का यूज मतलब होता है फाइल को पूरी तरीके से कट कर देना। हमने कट कर दिया, फाइल हमारा पूरा मैटर चला गया। हमको अगर फिर से उसी चीज को लाना है तो हम पेस्ट ऑप्शन पे जाके क्लिक कर देंगे, हमारा मैटर फिर से वापस आ जाएगा। कॉपी का मतलब होता है टेक्स्ट को सेलेक्ट करना, कॉपी करना, लेकिन कट में हमारा पूरा मैटर चला जाता है जबकि कॉपी में ऐसा नहीं होता है। हम टेक्स्ट को कॉपी करते हैं और फिर टेक्स्ट को जहां पे रखना होता है वहां पे ले जाके हम टेक्स्ट को पेस्ट कर सकते हैं। तो जनरली कट और कॉपी में डिफरेंस ये होता है कि अगर हमको मैटर को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह रखना है तो हम कट और पेस्ट का यूज करते हैं, लेकिन अगर मैटर को हमको उसके जिस जगह पे है टारगेट जगह वहां पे भी रखना है तो हम कॉपी और पेस्ट का यूज करते हैं। यानी मैटर हम जहां से सेलेक्ट कर रहे हैं वहां पर भी रहे और हम जहां पे रखना चाहते हैं वहां पे भी रहे, तो उसके लिए हम कॉपी पेस्ट का यूज करते हैं। कट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस यक्स, कॉपी की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस सी और पेस्ट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस वी। तो ये हमारी आज की पूरी वीडियो थी दोस्तों। अगर आपको पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अगर आपको कोई परेशानी है, कोई चीज़ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आप अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं तो भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। धन्यवाद।